नमस्ते दोस्तों, माधव किचन में आपका स्वागत है। आज मैं अपने बच्चों की बहुत इच्छा थी तो मैंने उनके लिए बथुए की मसालेदार कचौड़ी बनाने का मन बनाया। तो आइए देखते हैं इसको कचौड़ी कैसे बनाते हैं। पहले हमने बथुए को छोटा छोटा तोड़ लिया है, अब इनको काट के फिर वॉश करेंगे, क्योंकि अगर वॉश करके काटते तो कटने में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो पहले इसको हम काट लेते हैं फिर वॉश करेंगे। इस तरीके से हम बथुए को काट लेंगे, छोटा छोटा कटे तो और अच्छी बात है। वैसे आप जैसा चाहें अपने हिसाब से छोटा छोटा सा इसको कट कर लें। जब तक हमारी मेथी धुल के थोड़ा सूख जाती तब तक हम अपना आटा तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है और इसमें आधी कटोरी ही मैंने यहाँ पर बेसन ऐड किया है, क्योंकि बेसन ऐड करेंगे तो कचौड़ी में जो है ना बहुत अलग सा ही टेस्ट आएगा। इसके साथ ही इसमें हम अपनी धुली हुई मेथी ऐड करेंगे। और कुछ बेसिक से इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली है, इसको मसल के इस तरीके से मिक्स के करेंगे तो इसका फ्लेवर जो है और भी अच्छा आता है। इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, फिर थोड़ी हल्दी और इसमें 2 चम्मच हम ऑयल ऐड करेंगे, जिससे कि जो हमारी कचौड़ी है उसमें थोड़ा सा खसखसपन आ जाएगा। साथ में ही इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपना टेस्ट के अनुसार करिएगा, क्योंकि अभी हम जो मसाला बनाएंगे भरने के लिए उसमें भी नमक जाएगा और चटनी में भी नमक जाएगा। तो अब हम इसको जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। इसको हल्का सा ढीला नहीं, मतलब मीडियम हम आटा गूंथेंगे, जैसे पूड़ी का आटा होता है उस तरीके से नहीं, मीडियम आटा गूंथेंगे। पहले तो हम इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे, क्योंकि बथुए में अभी पानी होगा तो उससे ही थोड़ा सा हो जाएगा, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसमें पानी डाल के आटे को गूंथेंगे। अब हमारा आटा जो है वो गूंथ के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। अब हम कचौड़ी भरने के लिए जो अपना मसाले को हम तैयार करते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि 1 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 4-5 काली मिर्च है, और यहाँ पर 2 टेबल स्पून खड़े धनिया है। इनको मैं भून के फिर मसाला तैयार करूँगी। तो जल्दी आगे देखते हैं मैं कैसे तैयार करती हूँ। यहाँ मैं अपने खड़े मसाले थोड़े से भून लेती हूँ, जिससे कि इसमें सौंधापन आ जाएगा, और फिर मैं इसको अपने मिक्सी के जार में इसको पीस लूँगी। इसी के साथ ही मैं थोड़ा इसमें कुछ लहसुन और 2 मिर्ची भी डाल देते हैं, ये भी इसमें भून जाएगा, और फिर उसको साथ में ही इसको हम पीस लेंगे। जैसे ये चटकने लगे वैसे ही गैस को बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ये लहसुन काले हो जाएंगे तो थोड़ा सा टेस्ट में ख़राब सा लगेगा। इसलिए जैसे ये जीरा हो, ये सब धनिया वगैरह चटके, वैसे ही गैस को बंद कर दे, और ठंडा होने के बाद इस मसाले को हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। अब मसाला जो है हमारा चटकने लगा है, अब इसकी गैस हम बंद कर देते हैं और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम अपने ग्रीन चटनी की जल्दी से तैयारी कर लेते हैं। चटनी पीसने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से हरे धनिए, 2 टमाटर, 2 मिर्ची और लहसुन ले लिए। अब इसमें अगर हम चाहें तो भुने हुए थोड़े से चने भी ऐड कर लेंगे, तो जिससे हमारी जो ग्रीन चटनी है उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा होगा। पुदीना डाल भी सकते हैं, लेकिन इस समय सर्दी में जो है पुदीना कम मिलता है, इसलिए मैं इतने की ही चटनी बना लूँगी। चटनी जो है हमारी पीस ली है मैंने, देखिए इसमें चने डालने से कितना बढ़िया सा कलर आया है, ग्रीन बिल्कुल कलर बढ़िया है। टमाटर भी था, टमाटर देसी टमाटर, थोड़ा खट्टा होगा लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम मसाला अपना कचौड़ी में भरने के लिए मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून डालेंगे ऑयल, और जो हमने अपना मसाला भूना था उसको मैंने पीस लिया है उसको डालेंगे। उसके साथ कुछ और भी हम इसमें सामान डालेंगे जो आप ज़रा ध्यान से देखेंगे देखिएगा।
तेल हमारा गरम हो गया है, हमने इसमें जो मसाला भुना था उसको मैं डाल ले रही हूँ इसमें। इसी के साथ हम इसमें 2 चम्मच बेसन डाल लेते हैं। बेसन के डालने से ये होता है कि जो मसाला होगा वो बहुत ही टेस्टी बनेगा और जो कचौड़ी खाने में भी स्वादिष्ट होगी। इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं। जब ये भून जाएगा तब मैं इसमें प्याज और मटर, जो मटर मैंने पहले से उबाल के रखी हुई थी उसको ऐड करूंगी, और इसमें हम नमक डालेंगे। अब हमारा बेसन इसमें भून चुका है, बहुत ही अच्छी महक आ रही है। अब हम इसमें अपना प्याज ऐड कर देंगे, क्योंकि अब इसको ज़्यादा भूनना नहीं है तो जल्दी से ही ये सब चीज़ करेंगे। और इसमें मैं मटर ऐड कर देती हूँ, मिक्स कर दें। इसमें मैंने नमक नहीं डाला है तो हम थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें पटैटो मीसने वाले से मैसर से मैं इसको मसल दूंगी, जिससे कि जो ये मटर के दाने हैं वो अच्छी तरीके से मसाले के साथ मिक्स हो जाएं। और प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, ये ऐसे ही अच्छी लगेगी। इस तरीके से मैं पटैटो मैसर से मटर को मिक्स दूंगी, जिससे कि बढ़िया सा भरने में भी आसान रहेगा, मैं कचौड़ी जो है वो फटेंगी नहीं। अब हमारा मसाला जो है बिल्कुल मिक्स हो गया है, मटर भी बिल्कुल मिस गई है। अब हमारा जो ये बैटर है, मसाला है, ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम जल्दी से कचौड़ी अपनी कचौड़ियाँ भरते हैं। इस तरीके से छोटी छोटी लोई को ले लेना है और बेल के इसमें हम अपना कचौड़ी का मसाला भर लेंगे। आटा थोड़ा गीला है तो इसको हम सूखे आटे में डिप कर लेते हैं और इसको छोटा सा बेल लेते हैं। बेलने के बाद हम अपना तैयार किया हुआ मसाला इसमें भरते हैं और इस तरीके से घुमा घुमा के हम इसको दबा देते हैं। और दबा दिया अच्छी तरीके से, जो भी एक्स्ट्रा आटा है वो आप निकाल दीजिए। इस तरीके से दबा कर फिर सूखे आटे में डिप करके हल्के हाथों से इसको बेल लीजिए। इस तरीके से मैं सारी कचौड़ियाँ बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको आगे मैं बताती हूँ। इस तरीके से कचौड़ी तैयार हो गई। अब मेरी कचौड़ियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। ये ज़्यादा मोटी नहीं, बिल्कुल बढ़िया सी पतली है और तेल भी मेरा गर्म हो गया। तो आइए इसको जल्दी से अपनी कचौड़ियों को सेकते हैं। और हम कचौड़ी जो है वो धीमे मीडियम आंच पे ही सेकेंगे, जिससे कि जो कचौड़ी अच्छी तरीके से पक जाएगी और खाने में भी क्रिस्पी लगेगी और बढ़िया सी सिक जाएगी। इसको हम उलटते पुलटते सेकेंगे, जिससे कि हर तरफ से ये बढ़िया सी सिक जाए। इस तरीके से अपनी कचौड़ी को सेकना है, बिल्कुल रेड कुरकुरापन आ जाए और इस तरीके से ऐसे पलटते जाइए, जिससे कचौड़ियाँ हैं आपकी अच्छी तरीके से सिक जाए। देखिए किस तरीके से लाल लाल से कुरकुरापन आ गया है इस कचौड़ी में। तो मैंने तो अपने बच्चों की पसंद की कचौड़ियाँ बना के तैयार कर ली हैं बथुए की। तो आप कब बनाएंगे? जल्दी से इसको देखिए रेसिपी और इसको बनाइए और अपनी पूरी फैमिली को खिलाइए और विंटर का इंजॉय लीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।